नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कुंवर सर अविनाश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पैंडमिक के दौर पर किस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है, बट उन सबके बीच में से भी कठिन परिस्थितियां, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकमस्टांसेस या सिचुएशंस के बीच में भी हम जो है पॉजिटिव रहते हुए किस तरीके से अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दौर में, इसी मकसद के साथ में कि कुछ पॉजिटिव हम बने रहें और दिन भर में कुछ ना कुछ छोटा सा ज्ञान भी लें, परंतु ले जरूर। इसी के साथ में आज आपके साथ में आया हूँ हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेक्निकल टॉपिक जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, विच इज इंडस्ट्री 4.0। व्हाट इज दिस इंडस्ट्री 4.0? ये सारे मेरे इंजीनियरिंग दोस्त या फिर जितने भी इस वक्त जो है टेक्निकल फील्ड्स में हैं, जो वर्क फ्रॉम होम या फिर कहीं से भी जो भी ये कार्य कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, वो सभी इस शब्दावली से जो है अटैच होंगे, कुछ ना कुछ जानते होंगे। हम इसी के ऊपर आज अपना थोड़ा सा, नहीं तो कम से कम ज्ञान जरूर शेयर करेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0? बेसिकली लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द पास्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, जहाँ पर पहले इंडस्ट्री 1.0 हुआ करता था, इंडस्ट्री 2.0 हुआ करता था, इंडस्ट्री 3.0 हुआ करता था, एंड नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज इंट्रोड्यूस्ड विद द इंडस्ट्री 4.0। सो व्हाट इज दिस इंडस्ट्री 4.0 एंड ऑल दिस 0.0 0.0 एंड 0.0? सो दीज आर एक्चुअली द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड व्हिच हैपेंड एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और वो किस तरीके से हुए और आज किस तरीके से चल रही है दुनिया, और इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं आगे के वीडियो में। सो इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0 आर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। व्हाट दे आर? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। सो व्हाट दे आर द क्रांतिकारी, हिंदी में एक शब्द है क्रांतिकारी। उसी का एक शब्द आता है क्रांति, जिससे क्रांतिकारी शब्द बना है, उससे पहले आता है क्रांति। तो ये इंडस्ट्रियल जो है, जितने भी प्रोसेसेस है उन सब की क्रांति है। जैसा कि आप ऑब्जर्व करेंगे, इंडस्ट्री 1 से लेकर के इंडस्ट्री 1.0 से लेकर के इंडस्ट्री 4.0 तक एक ट्रिमेंडस चेंज आया है। लाइक इट्स लाइक अ 270 डिग्री टर्न। सो लाइक इंडस्ट्री 1.0, व्हाट इट हैड मैकेनाइजेशन थ्रू स्टीम एंड वाटर पावर जनरेशन, विच वॉज फर्स्ट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन दैट एरा। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि जो पुराने जमाने में जो काम होता था वो किस तरीके से उत्पादन किया करते थे, तो वो जो उत्पादन किया करते थे वो वाटर पावर जनरेशन और स्टीम जनरेशन से किया करते थे। जिस तरीके से हमने सुना है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कुछ पार्ट्स में आज भी स्टीम इंजन्स से ट्रेन जो है चलती है, वो उसी का एक एरा है कि वहां पर पावर कैसे हम बनाते थे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती थी, आज भी की जाती है, परंतु जो है मनुष्य मशीन्स किस तरीके से चलते थे। सो इंडस्ट्री 2.0, इट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड विद इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस विच वर देन यूज्ड इन मास प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइंस। फिर क्या हुआ, जो दूसरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की क्रांति आई, तो उसके अंदर जो भी कार्य होता था, प्रोडक्शन होता था, उसके लिए इलेक्ट्रिकल लाइंस बिछाई गई। जैसे आजकल हमारे घरों के बाहर हमें दिखती हैं कि हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिकल लाइंस बिछी हुई हैं, ये इंडस्ट्री 2.0 से चलती आ रही है। इसी तरीके से इंडस्ट्री 3.0 ब्रॉट द ऑटोमेटेड प्रोडक्शन एंड सिस्टम विच वर रन बाय कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। तो आज जैसे कि हम देखते हैं, आज हिंदुस्तान जो है अधिकतर जो जगह पर है, अधिकतर जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी जो है इंडस्ट्री 3.0 को फॉलो करती हैं, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा जो है ऑटोमेशन लाए हैं, जैसे सीएनसी मशीन्स हो गई, राइट, जैसे कि ऑटोमेटेड लेथ मशीन्स हो गई जिनको थोड़ा सा प्रोग्राम करना पड़ता है, लाइक सीएनसी मशीन्स एज आई मेंशन्ड अबव। इसी तरीके से कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, उन सब की हेल्प से जो है आज भी कई सारी जो कंपनीज हैं जो जो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती हैं, जिनका प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा है, वहां पर रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। किसको इंट्रोड्यूस किया गया? रोबोटिक्स को, जो प्रोग्रामेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज इन टू दिस, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज इंडस्ट्री 4.0 इंक्लूड्स स्मार्ट फैक्ट्रीज वेयर ऑटोनोमस सिस्टम्स
आर इंस्टॉल्ड विद IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स. व्हाट इज दिस नाउ? आप जैसे एक कमांड देंगे, पूरी जो आगे की चेन है वो पूरी की पूरी उसके अकॉर्डिंग चलेगी. नाउ अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आता है कि इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है. जो आज के जमाने में जिस कंपनी की मैं एक सराहना करना चाहूंगा, दैट इज टेस्ला बाय इलॉन मस्क, जो उसके चेयरमैन एंड फाउंडर है. सो मैं उनकी काबिल तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरीके से उनकी जो है टेस्ला, आप चाहे SpaceX ले लीजिए या फिर आप टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी देख लीजिए, वहां पर हर चीज जो है एक ऑटोनॉमस तरीके से चलती है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत. कि यहाँ पर अच्छा अब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग इट इज कंसिडर्ड इन देयर रेगुलर शेड्यूल्स. सो उस तरीके से आज जो है मीन्स कि आपको ज्यादा इनपुट ना देना पड़े, रेदर देन कि काम जो है ऑटोमेटिक तरीके से और एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए विद एक्सट्रीम फैंटास्टिक फिनिशिंग. सो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्री 4.0. नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0? सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है सारी चीजें कंट्रोल की जा रही हैं विद इंडस्ट्री इंटेलिजेंट एज नोड्स, राइट? देन स्मार्ट मैक फॉर मैश फॉर इंडस्ट्रियल, राइट? रोबोटिक्स एंड कोबोट्स, देन हाउ दिस मशीन्स आर वर्किंग, देन हाउ देर इज अ PLC एंड DCS कंट्रोलिंग बेस्ड, कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग, स्मार्ट ऑटोमेशन, रोबोटिक्स मोशंस कंट्रोल. So this is what happening in real-time deterministic Ethernet. So ये सब जो है मैं आपको explain करता हूँ point-wise. So the future is industry 4.0 unfolds. Computers are connected and communicate with one another to ultimately make decisions without human involvement. This technology involves artificial intelligence. What's happening here is that computers are talking on their own. और ये सब कैसे होता है? It is being developed under artificial intelligence category. Now, going on the another thing is a combination of cyber physical systems, the Internet of Things and the Internet of Systems make Industry 4.0 possible and the smart factor a reality. How is this happening? Through the Internet of Things, that how we are using our system so with magnificent efficiency, that how it's creating an environment of happening things automatically. That's what we want. But ये जो है ज़्यादा सक्षम भी नहीं होता है, उसके बारे में मैं आपको आगे explain करूँगा. It's the network of these machines that are digitally connected with one another and create and share information that results in the true power of Industry 4.0. Actually, in a one perception and one dimension, this Industry 4.0 is like a true revolution. But according to the some industrial critics and those, that it's just bringing about a minor change. That's it, they're just showing off ki hum waqt ke saath mein badal rahe hain. Parantu these are dimensions coming from some dimensions and perceptions coming from some of the critics of industrial magazines or articles which were written in Forbes or magazines like that. But actually it is a true power. If we got into complete artificial intelligence, then we'll be technological factors will be like so easy to manufacture, to add some new methods to it like 3D printing, that we can develop a whole new city with this artificial intelligence. Now the applications which are involved in this world, this amazing world, beautiful world where Industry 4.0 is introduced, and how it is used in what kind of applications. So let us find out through some by identifying opportunities. As we know, since we are connected, machines collect a tremendous volume of data that can inform maintenance, performance and other issue, as well as analyze that data to identify patterns and insights that would be possible for a human to do in a reasonable time frame, which is absolutely correct. And Industry 4.0 offers the opportunity for manufacturers to optimize their operations quickly and efficiently by knowing what needs attention. Now, this is an important point. How artificial intelligence helps here? How the computer programming and all the softwares, all the sensors which are included here, how they are helping this process and this system? It's just through one or two points. Like, if we are going to have any maintenance issue, it will be shown to us, right? If there is some human error or any machine error, it will be shown to us.
इफ देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम्स और सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी इश्यूज थ्रू आउट द सिस्टम इट विल बी शोन टू अस सो लाइक दिस वी कैन कैच इवन माइक्रोन लेवल प्रॉब्लम इन जस्ट सेकेंड्स इन लाइक इन आर ट्रेडिशनल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वॉट वॉज हैपनिंग इज दैट वी यूज टू सर्च फॉर द थिंग्स and it could have taken like months to just got one issue which was very simple so what is in today's world happened is that it's gone very easy to find out the problems in the current situation and how we can find easy solutions so this is extremely perfect to find out any solution at a particular time by just finding out that the system when a sensor is applied that this part of the manufacturing process or anything n number of things will be shown to you in micron seconds so this is the power of industry 4.0 now if we take in logistic and supply chains a connected supply chain can adjust and accommodate when new information is presented so what is happening there is if you provide a new information it will automatically will get adjusted according to the previous lines Then if a weather delay ties up a shipment, a connected system can proactively adjust to that reality and modify manufacturing priorities. Means everything will be updated in what we can say is in minute to minute details, right? Then coming to the autonomous and equipment and vehicles, there are shipping yards there that are leveraging autonomous cranes and trucks to streamline operations as they accept shipping containers from the ships. Now robots, how the robots are, as we all know, robots are now more affordable and available to organizations of every size, which is very true. Even you see in a mill, which we have industry here, which is have a production of potato mills, production of potato chips. So what they do is they have got robots. They have got integrated autonomous machines, which just pack. Wow, this is amazing. When I went there, it's a small city here and they have got this tremendous technology. So this was really amazing to see. From picking products at a warehouse to getting them ready to ship, autonomous robots can quickly and safely support manufacturers. They also reduce cost and allow better use of space, which is extremely fantastic. Like I have seen in one of the Amazon shipyards, or you can say where the warehouse is, where robots work. Where robots come to pick the shipments and they place their products in particular areas described location. So it's really amazing as it goes it reduces the labor cost. It is reduced the timings as they know the perfect path that where I have to get that product and where I have to place. So extremely easy, you can say. From A distance to B distance, it is very easily described. So I am extremely impressed with that. Then additive manufacturing printing, like it can be used in like 3D printing areas. This technology has really progressed from primarily being used for prototyping to actual production. As we can see, that China had made the longest bridge just through the 3D printing. Even India recently. One of the companies made first 3D by using 3D printing house. They printed a house. They made a 3D house. Can you imagine? It enables cost efficiency of low volume productions. It's fantastic here. Advances in the use of metal additive manufacturing have opened up a lot of possibilities for production like biomaterials, biomaterials, ceramics, metal, etc. As we all knew, first the 3D printing was happening with the wax or those malleable and ductile products, but now they are being used with extremely hardened metals too. So this is one of the most amazing things which we can see in our throughout day life. Then a key component of Industry 4.0 is actually the Internet of Things that is characterized by devices. So not only this help internal operations, but throughout the use of cloud environment where data is stored and equipped and can be optimized by leveraging the insights. So what is that this point actually deals with the Internet of Things, how this is useful in our actually day-to-day lives, but
by connecting a whole system through one point and how it can be used as a Jarvis. Just we know the process in Iron Man, that how we can use that central position system and that can run whole system. And this is going to be a tremendous success in Industry 4.0. So what are the advantages of Industry 4.0? It does give you improved productivity, improved efficiency. Yes, correct. कि आपका इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो था वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, राइट? इंक्रीज्ड नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव वर्क दैट वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हाउ यू आर ट्रांसफरिंग योर नॉलेज एंड शेयरिंग दैट वर्क एंड हाउ यू आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर एंड हाउ दिस कैन हेल्प द होल वर्ल्ड थ्रू आउट द प्रोसेस. देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, एंड दिस कैन डील विद द सप्लाई एंड डिमांड chain in a very progressive way. Then it makes compliance easier, very true. Better customer experience. However, whatever we talk about many revolutions and from 1.0 to 4.0, this all actually leads with the most beautiful thing is that they satisfy the customer. Every industry wants is just a simple thing, bro, that they want is to satisfy their customer. That's it. So here, better customer experience is given and reduced cost. Even the customer wants that everything at a low price. So that's what you get from this. The biggest advantage is which gave is Industry 4.0. And the most important thing is that it does create innovation time and research and development timings to the entire process, because the manufacturing is happening, going on like in infinite level. And there is a lot more opportunities to create something new and very innovative. So this is how the advantages are, and there are many more. You can go into very deep and you can find out how the things are. So now there, jab bhi kisi cheez ka ek advantage hota hai, to saath hi saath mein uska ek disadvantage bhi hota hai. So a disadvantage bhi isi tarike se Industry 4.0 ke saath mein hai, which are I will take as a drawback points, जो एक तरीके से safe भी नहीं है किसी मायनों में. जैसे the safety of the internet of things is the main concern, because a system once hacked can be corrupted by anyone. और जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल जो विश्व युद्ध चल रहा है, first is about which has turned from weapons to the bio weapon like corona महामारी, जिसे हम महामारी घोषित कर चुके हैं, परंतु that is a bio weapon which we have analyzed and we will be discussing in our next videos. And so once the system is hacked, it can cause you some serious damages. So aap ek jagah se jahan se aap apna labor work ko jo hai kam kar rahe hain, parantu utna hi paisa aapko jo hai dusri taraf aapko apni policing, you know, like web policing mein aapko jo hai kharchna padega. So this was one of the most dangerous points which I feel like. Then once the Industry 4.0 is applied in an industry, so the staff experience and awareness should be given, and how? By developing their skills, which is very important for any company, because it can lead to some disastrous points, because one point can lead to another, your safety issues. So and one of the another thing is, as we live in India, there are different mindset that the stakeholders and investors don't trust these kind of processes which are truly technological things. So I even know, I have worked in I have done internships in MNC company. So there they had introduced in India is with their semi automations, you know, like Industry 3.0. They are settled with the Industry 3.0 because people can't accept anything at any point of time very quickly. So they take time to accept some of the things and situations to accept. Yeah. So any IT problems must be fixed, as this can lead to costly manufacturer disruptions. Correct. If you lead to any dimensional error, tolerance error, or किसी भी चीज में आप एक हल्की सी भी micron level पे भी कर दीजिए, और that could lead to some disasters, and this can be improved by the IT team. So man to man relation need to be reliable, stable, which demand shorter latency timing in systems, which is very true.
डिमांड्स मेंटेनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूटी बिकॉज इट डज नीड द प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी नॉन स्टॉपेबल रनिंग दैट मीन्स यू नीड टू क्रिएट अ डिमांड एंड द सप्लाई शुड बी जनरेटेड ऑन एवरी थिंग एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज मशीन्स रोबोट्स को तो आप ट्रेन कर लोगे बना दोगे बट यू नीड अ डेवलप्ड स्टाफ which needs to be trained on time to time process and their skills should be trained and you should have a skillful labor which should work in a tremendous way and should get adjusted with the industry 4.0 concepts. So this was our industry 4.0. So any doubt, anything to create something more fantastic on our YouTube channel, you can add it to our comment section. So thank you very much for watching this session. So it was amazing and hope I could also learn with you guys. So thank you very much. Surakshit rahiye, ghar rahiye aur sabhi ki dekhbhal kariye. Dhanyawad.